आज मैं आपको लेकर आ गया राजस्थान में अजमेर के फेमस देसी चूल्हा पे, जहाँ पे मिलती है 30 प्लस आइटम वाली राजस्थानी मारवाड़ी थाली, जिसको मारवाड़ी महिलाओं द्वारा लोकल तरीके से तैयार किया जाता है और इनका फूड और एम्बियंस पूरे अजमेर में बहुत ज्यादा फेमस है। तो चलिए इनके रेस्टोरेंट में लेके चलता हूं और दिखाता हूं यहां पे राजस्थानी ट्रेडिशनल तरीके से फूड को कैसे तैयार किया जाता है। राम राम सर, पधारे हैं आप हमारे देश। मलाई प्याज है देसी में, मलाई प्याज हाँ जी देसी घी की। ये बैंगन का भरता है, बैंगन का भरता। ये बाटी है, देसी घी। ये कैर सांगरी की सब्जी है, राजस्थान की जान। ये शाही पनीर है, हमारे रेस्टोरेंट की जान है। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता। ये हांडी की दाल है देसी। ये जैन दाल है, येलो दाल। ये आलू प्याज, ये पनीर दो प्याज है, पनीर दो प्याज जी। ये बेसन गट्टा है राजस्थानी स्टाइल, राजस्थानी स्टाइल। ये पनीर बटर मसाला है, पनीर बटर मसाला जी। पनीर लबाबदार है। ये चक्की की सब्जी है, पूरी चक्की। मेरा नाम हनी है। मेरे पिताजी को 60 साल हो गए और हम लोग काफी टाइम से काम करते आ रहे हैं, पर ये सेटअप हमने एक साल पहले ही डाला। हमारी थीम पूरी गांव के ऊपर है। जैसे आप देखेंगे तो खाटे हमने लगा रखी है, हट्स बना रखी है, और बिल्कुल जैसे गांव में लालटेन जलती है वैसे इस टाइप से हमने उसको पूरा मेंटेन कर रखा है। हमारे यहाँ पर आपको कम से कम 28 से 30 तरह की तो सब्जियाँ मिल जाएंगी। ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं? आलू प्याज की सब्जी, बैंगन का भरता, हांडी दाल, सेव टमाटर, ये चीज ज्यादा, कड़ी पत्ता। और हमारे यहाँ पर जैसे चपाती भी हम लोग बनाते हैं तो सब चूल्हे पे बनाते हैं। जैसे गांव के अंदर महिलाएं अपने हाथ से बेलती हैं, हाथ से बनाती है, उसी टाइप से हम लोग बनाते हैं। जैसे आप देख लेंगे तो हमारे चूल्हे पे ही रोटी सिकेगी, टिक्कड़ भी उसी पे बनेगा, कोयले पे ही रोटी सिकेगी। इस टाइप से हम लोग काम करते हैं और जो भी खाना हमारा बनेगा वो सब देसी तरीके से बनेगा। सर मैं लगाने जा रहा हूँ देसी चूल्हा की स्पेशल मारवाड़ी थाली। पहली आइटम क्या रहेगी? पहली लहसुन की चटनी, दूसरा ये मिर्ची के टपोरे। उसमें हल्दी नहीं डलती भैया? नहीं सर, इसमें हल्दी नहीं डलती। दूसरा कैर सांगरी की सब्जी। अब हम इसमें डालेंगे आलू प्याज की सब्जी। फिर अब हम इसमें डालेंगे बूंदी रायता। ये हमारी सिरका प्याज। ये मसाला छाछ, ये मसाला छाछ। ये श्रीखंड। ये हमारी बेजड़ की रोटी। थाली में कितनी रोटी रहती है सर? एक रोटी और एक टिक्कड़ रहता है। एक रोटी और टिक्कड़। हाँ जी, ये टिक्कड़ आ गया है हमारा। ये आटे का, गेहूँ का बना हुआ होता है। ये देसी चूल्हा की मारवाड़ी राजस्थानी थाली रेडी हो चुकी है, आप इसको टेस्ट करें। तो फाइनली अजमेर के फेमस देसी चूल्हा में मैंने अपनी थाली यहाँ पे लगवा ली है, मारवाड़ी राजस्थानी थाली, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। चलो आप इनका सेटअप देख सकते हो, मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। एकदम जैसे गाँव में बैठ के खाना खाते हैं वैसे एकदम चारपाई लगाई हुई है, यहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हो। चेयर टेबल लगे हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है आप वैसे खा सकते हो। तो सबसे पहले है मिर्ची के टपोरे। तो ये है इनकी लहसुन की चटनी, ये आगे इनकी कड़ी, ये आगे आलू प्याज पनीर की सब्जी। नेक्स्ट आइटम है कैर सांगरी, ये आ गया इनका बूंदी रायता। आपको मिल जाएगा यहाँ पे सिरका प्याज, साथ में आपको श्रीखंड मिल जाएगा। ये इनकी बेजड़ की रोटी और टिक्कड़ की रोटी। तो ये इनकी थाली रहती है, आपको इसमें ये सारे आइटम्स मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे पनीर आलू प्याज की सब्जी, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है और इसको बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो ऊपर देख सकते हो देसी घी लगाया हुआ है और सब्जी काफी ज्यादा एकदम देखने में बढ़िया लग रही है। तो इनकी आलू प्याज पनीर की सब्जी काफी टेस्टी बनी है, जो इन्होंने इसमें मसाले डाले हैं काफी अच्छे से। इसको 2 से 3 घंटे पकाया गया है और साथ में जो आलू प्याज है पनीर है, तो इस सब्जी को 2 से 3 घंटे अच्छे से पकाया जाता है और मसालों को अच्छे से भुना जाता है। नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ इनकी कड़ी। तो आपने नॉर्मली बहुत जगह कड़ी खाई होगी तो वो येलो कलर की रहती है, उसमें आपको हल्दी मिल जाएगी, बट यहाँ पे एकदम देख सकते हो डिफरेंट टाइप की कड़ी है। तो इनकी कड़ी काफी सिंपल सी है, प्लेन सी है। जो आप इनकी सब्जी खाओगे वो इसके टेस्ट को बैलेंस कर देगी। आपने नॉर्मली पंजाबी कड़ी खाई होगी, थोड़ी वो चटपटी रहती है, तड़केदार रहती है, बट एकदम सिंपल सी कड़ी है, काफी अच्छा टेस्ट है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इनकी कड़ी भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया है। तो राजस्थान के लोग इसको काफी पसंद करते हैं और काफी यूनिक टाइप की सब्जी है, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। तो सब्जियां तो मैंने बहुत वैरायटी खाई है, पहली बार कैर सांगरी सब्जी खा रहा हूँ और मुझे इसका टेस्ट काफी बढ़िया लगा है। मसालेदार सी बनी है और काफी बढ़िया यूनिक सा टेस्ट आ रहा है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन थाली मिलने वाली है 320 रुपए की, और आराम से आप 320 रुपए की और आराम से आप पेट भर के यहाँ पे इनकी थाली एंजॉय कर सकते हो। तो सब्जी ट्राई करने के बाद इनकी मारवाड़ी छाछ एकदम टेस्ट कर लेते हैं कैसी बनी है ये। तो इनकी मारवाड़ी छाछ काफी ज्यादा स्पेशल है, धनिया पुदीना इसमें डाला जाता है और देसी घी का तड़का मारा जाता है, जिससे कि इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट लेवल पे आपको इसका टेस्ट मिलेगा। तो टाइमिंग क्या रहती है यहाँ की? टाइमिंग सुबह हमारी 11 बजे से रात को 11 बजे तक। और हफ्ते में कितने दिन लगा? सातों दिन, 365 दिन खुला है। और एड्रेस बता दीजिए अजमेर में कहाँ पे? अजमेर में वैशाली नगर माकरवाड़ी रोड पर देसी चूल्हा रख दिया। तो अगर आप भी अजमेर रहते हो या विजिट कर रहे हो और बढ़िया सी मारवाड़ी थाली खाना चाहते हो तो देसी चूल्हा में आके इनकी थाली जरूर ट्राई कीजिए। तो इस थाली को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Yeah.